एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फैक्ट से भरे एक नए एपिसोड में। आज बात करेंगे पांच ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आपको पता हो। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों पूरे ह्यूमन बॉडी में आंखों की कॉर्निया एकमात्र ऐसा पार्ट है जहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है और ये ऑक्सीजन भी डायरेक्ट हवा से लेता है। आपने जरूर से नोटिस किया होगा जब हमारे आंखों में धुआं चला जाता है तो आंखों से पानी निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में होता ये है, ऑक्सीजन के साथ साथ जब आंखों में धुआं चला जाता है तो उसके वजह से आंखों में बहुत सारी इरिटेशन पैदा होती है और कुछ देर के बाद आंखों से पानी निकलने लगता है। ब्लड की सप्लाई ना होने पर भी ये एकमात्र ऐसा पार्ट है जो सबसे जल्दी सही भी हो जाता है। फैक्ट नंबर टू, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बच्चे से लेकर बूढ़े सभी को पता है इस बैंक के बारे में, लेकिन क्या इसके हिस्ट्री के बारे में आपको पता है? एक्चुअल में 1806 में पहली बार बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से ये बैंक कलकत्ता में खोला गया था। फिर इसका नाम बदल के कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई को मार्च करके बनाया गया द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर आज़ादी के बाद 30 अप्रैल 1955 को फाइनल इसका नाम चेंज करके रखा गया SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे आप और हम जैसे लोग पैसा जमा करते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों भारत के पुणे में आलंदी नाम का एक शहर है जहाँ पे लोग 200 किलोमीटर दूर से आके भी अपनी दाढ़ी बनवाते हैं। ऐसा क्या खास है इस दुकान में? दरअसल बात यह है कि जिस इस तरह से लोगों की दाढ़ी बनवाई जाती है वो 8 तोले सोने से बनी है जिसकी कीमत 4 लाख रुपए के आसपास है। दुकान वाले का कहना है कि कुछ देर के लिए ही सही, जिसके पास सोने की अंगूठियां चेन नहीं होती है, दाढ़ी बनवाते वक्त उस इस तरह से उसको लगे कि वो कोई राजा से कम नहीं है। और लोग भी यहाँ पे बड़े चाव से दाढ़ी बनवाने आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दाढ़ी बनवाने के लिए आपको 1000-2000 नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ 100 रुपए देने पड़ेंगे। फैक्ट नंबर फोर, आपने बहुत सारे ट्यूब्स में या टूथपेस्ट के नीचे में कुछ कलर्स मेंशन किए हुए देखते हो, लेकिन उस कलर से ये पता चलता है कि वो किस मटेरियल से बना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये ज़रा सा छूट है, क्योंकि ये आई मार्क कहा जाता है इसे। और ये जिस रोबोटिक मशीन से बनता है उसे जानने के लिए कि किस तरफ कैप लगना है और किस तरफ आपको सील करना है, इसी के लिए बना हुआ होता है, ना कि ये पता चलने के लिए कि किस मटेरियल से या किस इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इंग्रेडिएंट्स अगर क्या क्या है तो उसके लिए अलग से मेंशन किया हुआ होता है पीछे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या क्या मटेरियल से बना है। इस आई मार्क का और कोई मतलब नहीं है। फैक्ट नंबर फाइव, आपके चेहरे की स्माइल आपके खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है और इसमें मेन पार्ट जो है वो आपके दांतों का है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखिए। जब आप ये पिक्चर को देख रहे हो तो सबसे पहले नज़र आपको ये बीच वाले इंसान के स्माइल पे गया, क्योंकि इसके एक दांत मिसिंग है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि इसी इंसान का एक आईब्रो मिसिंग है तो आपका नज़र वहाँ पे गया ही नहीं, क्योंकि जब कोई बंदा स्माइल कर रहा होता है तो सबसे पहले नज़र स्माइल पे जाता है। तो इसीलिए अपने दांत को संभाल के रखिए, क्योंकि यही दांत आपके चेहरे के स्माइल की खूबसूरती को और बढ़ाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।